अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम, बात आप आवाज सुन रहे हैं? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। चले, वो पिछली वाली तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई सेव, वो बेचारा, वो मैंने पता नहीं क्या मतलब हुआ इसको। रिकॉर्डिंग क्या हुआ इसमें? चल तो रही है, चले खैर करते हैं इसको। यहां से कंटिन्यू करते हैं कि आपकी जो मेथडोलॉजी या मेथड या अप्रोच जो आप लगाते हैं, वो पॉइंट कर रहा हो या फोकस कर रहा हो आपके सोल्यूशन को, इधर उधर की चीजें ना उसमें शामिल हो, वरना जो है वो मेथडोलॉजी यूजफुल नहीं रहेगी। में जो रीडर का इंटरेस्ट है वो देखेगा कि ये जो आप ये काम कर रहे हैं इससे तो वो बात साबित ही नहीं हो रही, या वो इस को चीज को कन्विंस नहीं कर रहा। आप ये मेथडोलॉजी को पूरी पॉइंट होनी चाहिए कि जिस चीज को आप साबित कर रहे हैं वो उसी के ऊपर फोकस कर रही हो, और रिजल्ट्स जो आप कर रहे हैं डिफाइन वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉपिक के मुताबिक डिस्कस करें, इधर उधर की चीजें ना करें कि चलो जी ये मैंने। बार दफा ऐसे होता है कि बंदा ना सेल्फ प्रेजिंग होता है, वो सोचता है कि मैंने रिसर्च के दौरान ये काम कर लिया था, ये भी डाल देता हूँ। जब वो इस तरह का काम करता है तो वो टॉपिक से जो है ना टॉपिक को कंफ्यूज कर रहा होता है, कि वो जो रेलिवेंट चीज भी नहीं होती टॉपिक के, वो भी अगर डालेगा वो रीडर पढ़ेगा तो जारी बात है उसका इमेज उसके जहन में पड़ेगा, और वो सोचेगा कि इसकी क्या जरूरत है। वो फिर रीडर को या रिव्यूअर को कंफ्यूज करने का काम करेगा। आप तो समझते हैं कि चलो ये मैंने ये काम कर लिया, ये भी डाल देता हूँ, और जैसे फिलासफर वाला नहीं होता, जैसे टीचर आता है, चाहिए नॉलेज भी मैंने किया, ये भी बच्चों को डिलीवर कर दो, उसके उसकी वजह से क्या होता है वो टॉपिक कन्फ्यूज हो जाता है, वो ये काम नहीं कर रहा, टू द पॉइंट। और लिटरेचर भी रेलिवेंट ही साइट करना है, ये नहीं करना कि फलां का भी मैं लिटरेचर साइट करता हूँ, वो भी कन्फ्यूजिंग होता है। You place your analysis in broader context and highlight the implication, regional, global of your work. Implication भी important चीज है कि आपने जो research की है उसका फायदा किसको होगा, कि कहाँ कहाँ पे जाके apply होगी, ये बात भी कि इसका scope, इससे फायदा जो है वो दुनिया वाले उठाएंगे या आपके area वाले उठाएंगे, इसको भी आपने highlight करना, से भी उसकी वर्क पड़ती है। अच्छा, अब ये आप जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करते हुए जब भी आप आर्गुमेंट देते हैं तो वो इनिशियल जो भी क्वेश्चन है उसको राइज करेंगे और एविडेंस को कंपाइल करेंगे उसके मुताबिक, और उसका डाटा जो आपने सेट किया है वो इन जनरल और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसको भी आप लेंगे, और फिर जो है आप जजमेंट देंगे, आप जजमेंट देंगे, और वो हो गया आपके एनालिसिस के बेस पे कि मैंने ये कंक्लूड किया। ऐसे नहीं करना होता, बाद में ऐसे होता है कि आप सारे एविडेंस थीसिस में लिख देते हैं लेकिन उसको कंक्लूड नहीं करते, आप वो रिव्यूअर पे छोड़ देते हैं कि भाई कंक्लूड तुम खुद करो। तो वो भी जो है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि हर रिव्यूअर के अंदर ये एबिलिटी भी हो कि वो फैक्ट्स देख के वो कंक्लूड भी करे, फिर उसका वो नुकसान ये होता है कि खासतौर पर पेपर में कि आप सारे फैक्ट्स लिख देते हैं कंक्लूड नहीं करते, तो वो कहते हैं जी बस इसने जो है ना
वो एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ जो है ना रिप्रोड्यूस करके फैक्ट्स दे दिया। वो उसको मतलूब नहीं होता, उसको तो चाहिए होता है कि आपका जो एनालिसिस है वो कुछ नतीजा खेज हो, जो आप कंक्लूड करें कि जनाब इस सारे एक्टिविटी से हमने ये नतीजा निकाला, तो वो चीज चाहिए होती है। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करना, आइडेंटिफाई द रेगुलेशन एक्सपेक्टेशन एज सेट आउट इन फॉर्मल यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट। जब आपने थीसिस लिखना होता है तो आप किसी दिन इसकी भी डिस्कशन रखेंगे कि जो हमारे पास जो मटेरियल दिया है जीसीयूएफ ने, कि वो थीसिस के अंदर किन चीज़ों को डिमांड कर रहा है, उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हाँ वो जिन जिन टॉपिक्स को कह रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थीसिस में, आपने वो भी डाल लिया। क्योंकि जब थीसिस आपके पास एडवांस स्टडीज में जाता है तो वो भी देखते हैं कि इसमें जो मेन हेडिंग्स हैं उनको भी फॉलो किया या नहीं, या अपने मुताबिक भी किया, तो वो उन्होंने वो उसको जनरलाइज बनाया होता है वो सारे डिसिप्लिन के लिए कि वो इसमें फिट हो। और इसमें एक और चीज़ है कि आप अपने इश्यूज को जो है सुपरवाइजर के साथ भी डिस्कस करें और अपने अदर फेलोज के साथ भी करें, ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें बार दफ़ा ये होता है कि आप किसी चीज़ को अपने एंगल से एज्यूम कर रहे होते हो, वैसे नहीं होते। जब आप डिस्कस कर लेते हैं तो उसमें, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, अगर आप कोई आपको कहे ना कि यार ये मेरे काम में गलतियां निकाल दो, तो आपको गलतियां नहीं नजर आ रही होती, लेकिन दूसरे को गलतियां नजर आ रही होती। तो दूसरों को कहें कि आप मेरी चीज को देखेंगे तो वो आपको गलतियां भी पिन पॉइंट करेंगे, तो उससे आपका काम जो है वो उसके अंदर निखार आएगा, वो पॉलिश होगा काम। और ये भी डिसाइड आपने करना है कि उसमें ये नहीं होना कि डिसाइड आपने ही करना है कि इसने जो क्रिटिसाइज किया है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के क्रिटिसाइज को देख के आप सारा कुछ ही बदल दें, इसको भी जज आपने ही करना है कि इसने ये जो बात कही है ये इसको सही अंडरस्टैंड किया है या नहीं समझ। तो ये भी आपने चीज, ये भी शेयर जरूर करना है, डिस्कस जरूर करना है, लेकिन फाइनल आपने ही इसको डिसाइड करना है कि इसको मैंने अडॉप्ट करना है या नहीं। फिर दूसरे लोगों के थीसिस को रीड करें, उससे भी आपको पता चलता है कि जनाब इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, मेरे वाले में क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। तो जो जो पॉसिबल हैं, जो एप्लीकेबल हैं, उनको फिर आप डालेंगे और इन्वेस्टिगेट करें। क्राइटेरिया पीएच के यूज सक्सेस डॉक्टर सर के पीएचडी के जो क्राइटेरिया, जिसको भी देखेंगे वो क्या चीज़ें देख रहे हैं। इसके देखने का तरीका ये होता है कि जो करेक्शंस निकलती हैं, एक तो ये इसमें ना आपके पास दो तीन होते हैं कि आप अपने थीसिस को एग्जामिन करवाने से पहले आप उसके पार्ट्स को एग्जामिन करवा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर। मतलब आपने थीसिस किया, आपने एक पोर्शन बनाया, उसका पेपर बन गया, अब आप उसको सेंड कर देते हैं किसी जर्नल को, तो जो वो क्रिटिसाइज करते हैं तो असल में वो आपके थीसिस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो वो बड़ा दचके लगने से पहले छोटे छोटे दचके अगर आप लगवा लेंगे ना, उससे आपका जो है वो जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो सिक्योर हो जाएगी। अब वो दो तरह से सिक्योर होती है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती तो जारी बात वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो रिव्यूज देते हैं, आप उसमें करेक्शन देते हैं, उससे आप रिफाइन कर लेते हैं, इससे मतलब आपका थीसिस जो है वो ठीक हो गया। और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गया कि जनाब इस मेरे वर्क को दुनिया ने लाइक किया है, इसको एक्सेप्ट किया है। तो एग्जामिनर जब वो आपका थीसिस देता है तो साथ में आपकी पब्लिकेशन भी देखता है, तो अगर तो वो स्टैंडर्ड की पब्लिकेशन साथ होगी तो फिर वो कुछ भी कहने से पहले सोचेगा कि दुनिया तो इसको एक्सेप्ट करे, मैं कैसे क्रिटिसाइज करूँ। एक जो है ना वो चेक पॉइंट बन जाता है उसके लिए कि वो ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, ये भी एक चीज होती है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, जो इंटरनेशनली जो होता था उसमें तो यही होता था कि आप पहले अपने टॉपिक को कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं। कॉन्फ्रेंस का ये फायदा होता है कि जब आप कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं तो वहां पे रिव्यूअर्स आपको जो है वो लाइव मिल जाते हैं। जैसे आपने कॉन्फ्रेंस में अपना टॉपिक प्रेजेंट किया और सामने रिसर्चर बैठे हुए हैं,
तो वहीं आपसे दो दो आज कर लेते हैं और आपको जो है आपके एरिया को रिफाइन करवा देते हैं। तो पहले कॉन्फ्रेंस पेपर भेजने से, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने से ये फायदा होता है कि वहाँ पे जो उसी फील्ड के दूसरे रिसर्चर होते हैं ना, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उससे अगर और अगर आप उसमें वहाँ उनको जो है कन्विंस कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मेरा टॉपिक सही है, एरिया सही है, इसकी वर्थ है नहीं है, ये चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंस से आपकी एंटर। देन जो है अगर वो कॉन्फ्रेंस में हो जाता देन आप जनरल जो है कॉन्फ्रेंस में ना, ज्यादा ये नहीं होता कि आपको वहाँ पे रिजल्ट्स इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं करने होते, आपने जस्ट अपना जो प्रपोजल है कि ये प्रॉब्लम है, ये मैंने इसका सोल्यूशन प्रपोज किया है, ये इसके प्रिलिमिनरी रिजल्ट है, थोड़े से इनिशियल रिजल्ट है, तो वो इस चीज को चेक कर लेते हैं जी प्रॉब्लम सही है, सोल्यूशन सही है। और जो जर्नल पेपर है उसके अंदर आपको वो इन डिटेल जो है वो प्रूव करना होता है अपने एविडेंसेस के साथ, एग्जिस्टिंग स्टडीज के साथ कंपेयर करना होता है, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये डिफरेंट होता है कॉन्फ्रेंस पेपर में और जर्नल पेपर में। तो कॉन्फ्रेंसिस के लिए जो है आप अपने जो रिसर्च का टेस्ट है, प्रेजेंटेशन स्टाइल है, उनको जो है उनको देख रहे होते हैं और उसको रिफाइन कर रहे हैं। और फिर आप जो ये यहाँ पे एक और चीज भी है, यहाँ पे एक और एंगल से आप लर्न कर सकते हैं कि वहाँ पे जब आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो सिर्फ अपना पेपर ही प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, दूसरे लोगों के जो प्रेजेंट किए पेपर जो आपके इंटरेस्ट के होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं, उनमें कुछ लोगों को अवार्ड भी मिलता है बेस्ट पेपर का। तो आप देखें कि उसमें ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उसका पेपर बेस्ट हो, उससे भी आपका जो रिफाइनमेंट का प्रोसेस है ना वो इम्प्रूव होता है। फिर दूसरा जो थीसिस जो चल रहे होते हैं 2-3 साल पुराने, उनमें जो जो अवार्ड विनिंग थीसिस होते हैं उनको देखें कि उनमें क्या चीजें हैं, ठीक है, तो उनको आप देखें। अब ये चीजें हो सकता है आप लोग यहाँ पे अभी लैग करें कि आप इतने सीनियर नहीं है कि आपको थीसिस वगैरह जो सीनियर पे मिले, तो लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी के थीसिस भी जैसे आपके कोई कांटेक्ट हो जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से थीसिस वगैरह, या कोई बाहर गया हुआ है तो सॉफ्ट फॉर्म में थीसिस मिल जाते हैं, तो अच्छे अच्छे थीसिस उनसे भी जो है वो आप मंगवा कर उनको देख सकते हैं। और एडवाइजर का जो थीसिस होता है वो भी आपको हेल्प करता है कि उसमें वो आपका एक्सटर्नल एडवाइजर भी हो सकता है, इंटरनल एडवाइजर भी हो सकता है, उनके थीसिस देख के तो आपको तो ये अंदाजा हो जाता है कि क्या चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। द थीसिस एंड रीसेंट पेपर ऑफ योर कमेटी मेंबर्स, जो आपके जैसे आपका थीसिस आपके कमेटी मेंबर्स भी होते हैं ना, अब चूंकि उन्होंने साइन करने होते हैं, उनका आपके साथ इंटरेस्ट होता है, तो वो भी आपको मटेरियल शेयर कर देते हैं, अपने पेपर उनके साथ आप शेयर कर ले, उनकी पब्लिकेशन, उनके थीसिस, इवन जो है कमेटी मेंबर्स को कहेंगे सर आपका आपने का एरिया क्या था, आपका थीसिस क्या था, तो चूंकि वो ऑलरेडी नॉर्मली ऑलरेडी वो लोग पब्लिश कर चुके होते हैं तो वो उसमें हेजिटेट नहीं करते, आप अपना वो अपना थीसिस भी दे देते हैं पेपर, तो आप वैसे ही उसके जो है पब्लिश पेपर तो आप वैसे ही उनसे ले लेते हैं। तो इस वे से जो है ये चीजें देख के जो है तो आप जो है वो काम को स्टार्ट करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको पता होगा मैंने करना क्या है क्या नहीं करना, ये चीजें क्लियर होती हैं। फिर आप काम स्टार्ट करने से पहले चैप्टर्स की आउटलाइन बनाते हैं और उसके अंदर जो है आपको वो ब्रॉडली पता होता है कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें मैंने डालनी है और किस चैप्टर में क्या क्या चीजें होंगी, ये भी देखते हैं आप। उसकी आउटलाइन बनाने से ना थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है कि फिर मैंने मुझे मटेरियल किस तरह का चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए। ट्राई टू मेक दिस रेदर डिटेल सो दैट एंड अप विद लिस्ट ऑफ पॉइंट दैट कॉरेस्पॉन्ड टू सब सेक्शन और इवन द पैराग्राफ, जो आपके पास होता है ना लिस्ट, जो जैसे इंडेक्स नहीं होता किसी बुक का, तो उसके अंदर लिखा होता है कि इस चैप्टर के अंदर ये है, सब हेडिंग में ये है, फर्दर डिटेल ये है, उस तरह से आपने वो लिस्ट बनानी होती है कि मेरे फलां चैप्टर में ये चीजें एक्सपेक्टेड हो। जब मैंने थीसिस राइटिंग करनी शुरू की थी तो मेरे प्रॉब्लम में पहले मुझे यही कहा था कि आप मुझे लिस्ट ऑफ इंडेक्स दिखाओ कि आपके क्या चैप्टर में क्या क्या चीजें होंगी,
तो फिर रफली तो बंदा पहले काम कर चुका होता है कि क्या क्या मैंने चीजें डालनी है, तो फिर वहीं से उसको अंदाजा हो जाता है जो चीजें मिस होती है वो उसके लिस्ट ऑफ इंडेक्स में डाल के एक एग्जम्पशन दे देता है सुपरवाइजर को कि मेरे थीसिस में ये चीजें होंगी, तो वो को अगर कोई और चीज होगी तो वो वहीं पे पॉइंट पॉइंट कर देगा, रेस की जरूरत नहीं है, तो उससे आपकी वो एफर्ट बच जाती है। तो आपने वो जो है वो पॉइंट्स बनाने होते हैं कि थीसिस में क्या क्या, फिर लॉजिक की प्रेजेंटेशन कहाँ पे क्या क्या चीज प्रेजेंट करनी है, और इसमें एक और चीज भी होती है कि आप थीसिस को ना वो एक मुकम्मल स्टोरी की तरह होती है, आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने कितना नॉलेज जो रीडर के लिए जरूरी है कि यहाँ पे उसको इस बात का पता चल जाना चाहिए, वो ही चीज वहाँ पे लिखनी है। मसलन प्रॉब्लम की बैकग्राउंड है, अगर उसको पता ही नहीं प्रॉब्लम की बैकग्राउंड क्या है तो वो क्या अंडरस्टैंड करेगा, तो ये आपने डिसाइड करना है कि उसको प्रॉब्लम की बैकग्राउंड कहाँ पे देना है। मसलन अब एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपको महसूस हुआ कि अगर मैंने पहले चैप्टर में प्रॉब्लम की बैकग्राउंड दे दी ना, तो उसको जब वो चैप्टर के पास पहुंचेगा तो वो भूल चुका होगा। तो अब आपने डिसाइड करना है कि ये वाली चीज मुझे जिस चैप्टर में मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ वहां पे देनी है या स्टार्ट में देनी है। तो ये चीजें भी आपने ख्याल करना है कि जो जो जरूरत की चीज है, यानी अब एक बंदा है जैसे आपके 3 RQ है, अब आपने एक RQ का सोल्यूशन दे रहे हैं, एक चैप्टर उसका अलग बनाया है, तो उसमें थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड वहां पे देंगे ताकि उसको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करे, फिर सोल्यूशन देखे ताकि उसको समझ आना शुरू हो। तो ये चीज भी आपने, और फिर एक और चीज भी इसमें, फिर रेप्लीकेशन से भी बचना है, ये नहीं करना कि वो ही एज इट इज बैकग्राउंड यहाँ दे दी, वही प्रॉब्लम में इंट्रोडक्शन में भी दी हुई है, तो फिर वो पूरी जगह कहेगा कि ये तो डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेशन से भी बचना है, लेकिन उसको जो है किसी और एंगल से, किसी और वे से जो है उसको वो चीज भी बतानी है, ताकि अगर वो कहीं पे वो आप ताकि आप जो अपना आइडिया है उसको सही तरह से कम्युनिकेट कर सके। तो ये भी चीज आपने लॉजिक और ऑर्डर्स को भी देखना, इफ यू मेक प्लान ऑफ ईच चैप्टर एंड सेक्शन बिफोर यू सिट डाउन टू राइट, रिजल्ट विल प्रोबेबली बी क्लियर एंड इजियर टू रीड, विल इजियर टू राइट। अगर लिखना शुरू कर दें तो फिर बंदा जो है ना वो तो लहर के अंदर होता है, जब लिख रहा होता है ना तो उसको नहीं पता चल रहा होता, वो कभी कहीं से कहीं जंप करेगा, कहीं से कहीं जंप करेगा, तो रीडर कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर चैप्टर लिखने से पहले आपको पता होगा मैंने इसमें सिर्फ यही बातें डिस्कस करनी है, फिर मसला नहीं होगा, फिर वो जो है वो जो उसका माइंड मैप बना होता है ना पहले से कि हर चैप्टर में ये चीजें होंगी, और उसके मुताबिक ही फिर रीडर को लेके चलेगा, और जहाँ फिर वो माइंड मैप से आपको ये भी पता चल जाता है कि रीडर को यहाँ पे ये बात पता है या नहीं पता, फिर उसके मुताबिक आप उसको वो कम्युनिकेट कर। और ये जो आउटलाइन है डिस्कस करते हैं सुपरवाइजर के साथ भी, ठीक है, तो मैंने बताया मैंने भी अपना वो जब थीसिस लिखने से पहले पहले डिस्कस कर लिया था, और उससे यूजफुल सजेशन जो है कौन सी चीज़ होनी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए पहले, क्योंकि ये जो है ना कि आपने मतलब 10 पेज लिखे तो 10 पेज लिखना मानी रखता है, और 10 पेज लिखने के बाद कोई आपको कहे कि ये सही नहीं है तो फिर आप अपनी पोजीशन देख लें क्या। सुपरवाइजर ने तो सिर्फ इतना ही कहना नहीं ये ठीक नहीं है इसको ऐसे कर दो, वो तो यही कहेगा ऐसे कर दो, और आपको पता है कि इसको ऐसे करने में 30 पेज दोबारा लिखने पड़ रहे हैं, तो आप इसलिए इन जो राइटिंग से पहले आप चीजों को जो है फाइनलाइज करें। ये जो है कि थीसिस की यहाँ पहले आप आउटलाइन बनाएंगे, फिर आपने कौन सी चीज लिखनी शुरू करनी है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिटरेचर मेथडोलॉजी कंक्लूजन है, और 4, 5, 6, लेकिन ये ऑर्डर सूटेबल नहीं है। सूटेबल क्यों नहीं है कि होता ये है कि अगर आप इंट्रोडक्शन पहले लिख लेते हैं और फिर लिटरेचर रिव्यू लिख लेते हैं, और बाद में सुपरवाइजर कहता है कि नहीं जी ये तो ऐसे नहीं, आप चैप्टर लेके जाते हैं ना सोल्यूशन वाला चैप्टर, चैप्टर 4, 5, 6 जाकर लेके जाते हैं, चैप्टर 4 फर्ज किया आपका RQ1 के मतलब है, ये RQ2 के मतलब, ये RQ3 के मतलब, तो वो उसमें कुछ चेंज करवा देता है,
वो कहता था कि ये चीज़ निकाल दो या ये चीज़ डाल दो, उससे ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। इंट्रोडक्शन भी बदल जाएगा, लिटरेचर भी, मिथोलॉजी में भी हो सकता है कुछ चेंज आ जाए। तो ये चीज़ें सबसे एंड में लिखनी है, पहले 4, 5, 6 को करना, पहले 4, 5, 6 को करना है। यहाँ पे वो ये लिख रहा है कि पहले 4, 5, 6 को करना है, और जब वो ओके करते हैं कि हाँ ये भी सोल्यूशन, ये भी रिक्वायरमेंट, ये भी आरक्यू ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी मीट हो रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, तो देन आपने इंट्रोडक्शन, लिटरेचर और कंक्लूजन करना। ठीक है जी। ड्राफ्ट आउटलाइन, राइट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, राइट अप प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ बैकग्राउंड सेक्शन, ड्राफ्ट अप योर रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई योर स्कोप स्टडी, कलेक्ट डेटा, राइट द मेथड सेक्शन व्हेन यू हैव सम डेटा, स्टार्ट विद प्लॉट एंड टेबल ऑफ द डेटा। इसमें ये इसमें चीज़ें डुप्लीकेट हो जाती, लेकिन हो सकता है इसमें एक क्वालिटी ज़्यादा आ जाए कि आप पहले रफली लिखें ये सारी चीज़ें, बाद में उसको रिफाइन करें, तो वो टाइम उसमें बढ़ जाता है। तो हमारा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि पहले एक्सपेरिमेंट के चैप्टर लिखो, बाद में इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और ये मेथोडोलॉजी वगैरह लिखो। यहाँ पे जो इसमें राइटर राइटिंग है उसमें वो ये कह रहा है कि पहले आप ये सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी वर्जन के तौर पर कि जो है ना रफली लिख लें एक मरतबा, और बाद में उसको रिफाइन करें। यहाँ पे वो ये चीज़ें आर्डर ऑफ। अब आपने उसका